Hello friends, this is Balraj Kaur from EMA Technology Mohali. So, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी, उसमें हम सीखेंगे कि how we can create the menus with the help of WordPress. Okay? So last वाली वीडियो में हमने simply page create करना सीखा था. आज की वीडियोस में हम उन सारे pages को menus में add करेंगे. So हम इसको continue करते हैं यहीं से. जैसे हमारे पास pages के अंदर हम check कर लेते हैं. होम कॉन्टैक्टर्स का पेज बना हुआ है, एक सैम्पल पेज ऐसे डेमो में बना हुआ है. तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी मेन्यू क्रिएट नहीं हो रखा है. मींस मेन्यू बार मींस कि जो आपके पेज के नेम्स हैं वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, जो भी आपने क्रिएट किए हैं. वो कैसे क्रिएट करते हैं वो हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले आपको क्या करना है, अपीयरेंस पे क्लिक करना है. वहां पर आपको मेन्यू का ऑप्शन शो हो रहा होगा, जैसे यहाँ पर मेन्यू. उसके बाद उसके मेन्यूज पे क्लिक करने के बाद हमारे पास मेन्यू की पैनल ओपन हो जाएगी, जहां पर आप मेन्यूज क्रिएट करोगे. सो सबसे पहले यहाँ पर मुझे एड योर मेन्यू के ऊपर यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि क्रिएट ए मेन्यू. सो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे. मेन्यू क्रिएट करने के लिए उसने हमसे नेम मांगा है, तो मैं कुछ भी रैंडमली नेम प्रोवाइड कर सकती हूँ. कोई भी नेम आप जो भी आपको पसंद है आप नेम यहाँ पे दे सकते हो. मैंने इसको प्राइमरी नेम दे दिया है. ठीक है, आप कुछ भी नेम रख सकते हो, अपना खुद का नेम भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बैकएंड पे रहता है, कोड शो नहीं होता है फ्रंट एंड के ऊपर. सो मेरे पास यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू क्रिएट हो गया, मैंने इसको सेव कर दिया था. मेन्यू क्रिएट होने के बाद जो हमारा पेज ओपन हुआ है उसमें हमने जो पेजेस क्रिएट किए थे, जहाँ पोस्ट क्रिएट किए हैं, जहाँ आप कस्टम लिंक कैटेगरी जो भी बनाना चाहते हो, वो सारे ऑप्शन विजिबल हो गए हैं. तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले हमने चेक करना है कि मेरे पास यहाँ पर व्यू ऑल के अंदर कितने पेज पड़े हुए हैं. ठीक है, मोस्ट रिसेंट, व्यू ऑल, सर्च. सर्च करने की जरूरत नहीं है, व्यू ऑल के हेल्प से हम देख लेते हैं. मेरे पास जो मैंने अभी मोस्ट रिसेंटली पेज बनाए थे वो एक तो था होम का और एक था कॉन्टेक्टर्स का. सो आप जो भी पेज अपना मेन्यू के अंदर एड करना चाहते हो उसको यहाँ से आपने क्लिक कर लेना है. तो मैं इसको टिक कर रही हूँ. सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एड मेन्यू करना है. जब हम एड मेन्यू करते हैं तो मेन्यू स्ट्रक्चर के अंदर हमारा पेज एड हो जाता है. ठीक है, अगर इसको आप यहाँ से ड्रैग ड्रॉप इसको करें तो आपको ऑप्शन मिल रहा है कि नेविगेशन लेबल अगर आपको चेंज करना है, या इसको रिमूव करना है, या कैंसिल करना है, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो. मुझे ऐसा कुछ भी चेंज नहीं करना है, मैं सिंपली मेन्यू पेज एड करना चाहती हूँ. उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है वो आ रही है मेन्यू सेटिंग्स की. ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन है, एक तो है ऑटो ऐड पेजेस और एक है डिस्प्ले लोकेशंस. ठीक है, ऑटो ऐड पेजेस तो ऑटोमेटिकली ऐड न्यू लेवल पे करता जाएगा पेज, लेकिन डिस्प्ले लोकेशन वहीं पे करेगा जहां पर आप शो करवाना चाहते हो. तो मैं डिस्प्ले लोकेशन का ऑप्शन चूज करूंगी. उसमें मेरे पास अब दो डिस्प्ले लोकेशन है, एक टॉप मेन्यू की है और एक सोशल लिंक मेन्यू की है. ये हर एक थीम जो होता है हमारे पास वर्डप्रेस में, ये हमें डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्ले लोकेशंस प्रोवाइड करता है. इसके अंदर सिर्फ दो लोकेशंस हैं, कुछ थीम्स ऐसे होते हैं जिसमें तीन भी होती है, लाइक टॉप बार होती है, फिर सेकेंडरी बार, फिर फुटर बार होती है. मे बी सोशल मीडिया के लिए आपके पास अगर आइकन्स ऐड करने का ऑप्शन है उसकी भी लोकेशन होगी. ये सारा वरी करता है थीम के ऊपर. तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल थीम है, तो इसने हमें सिर्फ दो ही ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं, एक है टॉप मेन्यू का और एक है सोशल लिंक मेन्यूज का. इसके ज्यादा हम कोई भी मेन्यू ऐड नहीं कर सकते, मींस कोई भी लोकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं. तो मैं इसमें से टॉप मेन्यू में अपने जो मेन पेज है वो ऐड करूंगी. उसके बाद जब हमने सोशल मीडिया आइकन्स बनाने हैं तो उसमें हम डिफरेंट ऐड करेंगे. ठीक है, तो हमने यहाँ से टॉप मेन्यू सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद हम सेव मेन्यू कर रहे हैं. ठीक है, इसके बाद आपने इसको सेव करने के बाद अपनी साइट के ऊपर जाना है और उसको रिफ्रेश करके देखना है. ठीक है, जहां पर भी आपकी बार की लोकेशन प्रोवाइड हो रखी होगी वहां पे हमारा मेन्यू शो हो जाएगा. मींस मेन्यू मींस हमारा पेज, जो हमारी वेबसाइट का मेन्यू है उसका पेज. तो जैसे मैंने होम पेज बनाया था उसका मेन्यू मैंने क्रिएट किया, वो यहाँ पर शो हो रहा है. ये इसकी डिस्प्ले लोकेशन है. जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें सीधे होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा, जिसके ऊपर मैंने सिंपल कंटेंट डाला था और फेसबुक का लिंक लगाया था. इससे ज्यादा और कुछ भी इंसर्ट नहीं किया था, क्योंकि ये हमारा एस एस डेमो पेज ही है. तो हमने होम पेज ऐड कर दिया है. उसके बाद आप जितने चाहो पेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो. मेरे पास यहाँ पे एक और पेज है कॉन्टेक्टर्स का, मैं उसको भी ऐड मेन्यू कर लूंगी. ठीक है,
जैसे कि आप देख रहे हो एड मेन्यू करने के बाद ये ऑटोमेटिकली इसके नीचे आ गया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अपसाइड लेके जाना चाहूं तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर सकती हूँ, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑप्शन रहती है कि आप पेज को रिडायरेक्ट करना चाहते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो आप ड्रैग कर लोगे। तो मैंने ड्रैग किया, इसकी पोजीशन अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। ये इसके इनसाइड से लग गया, फिलहाल हमें वो काम नहीं करना है। यहाँ पे सेकंड पेज ऐड करने के बाद टॉप मेन्यू इसकी लोकेशन ऑलरेडी सेट है, मैं इसको फिर से सेव मेन्यू करूंगी जो हमारा पेज है, उसके बाद वहां पर रिफ्रेश होके शो हो जाएगा। ये मेरा कॉन्टेक्ट अस का पेज है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने जो भी कंटेंट डाला था डेमो के लिए वो मेरा शो हो रहा है। उसके बाद अगर आप चाहो तो एक नया पेज क्रिएट कर सकते हो। आपको शो करवाने के लिए मैं यहाँ पे एक और पेज बना लेती हूँ, ठीक है, ऐड न्यू कर लेती हूँ ताकि आप देख सको कि हम न्यू पेज को मेन्यू में कैसे ऐड करते हैं। वैसे तो लास्ट वीडियो में हमने ये चीज देखी है, बट यहाँ पर मैं एक ब्लॉग का पेज क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है, जो हमारा ब्लॉग का पेज रहेगा। उसके ऊपर मुझे अभी कोई कंटेंट नहीं डालना है, जस्ट इसको सिंपली एम्प्टी ही पब्लिश करना है। तो हम पेज को पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद ये मेरा पेज बन गया है ब्लॉग का, इसके ऊपर कोई भी कंटेंट नहीं है, ये एम्प्टी है क्योंकि मुझे इसको फर्दर पोस्ट शो करने के लिए यूज करना है, तो मैं इसको खाली रखूंगी। हम अपीयरेंस पे जाएंगे, मेन्यूज के अंदर जाएंगे, वहां पे जाकर हमें ब्लॉग को सिलेक्ट करना है, एड मेन्यू करना है। एड मेन्यू के बाद ये थर्ड नंबर पे आ गया और इसको हम सेव मेन्यू कर देंगे, ठीक है। सेव मेन्यू करने के बाद हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे, वहां पर सारे पेजेस के ऊपर ये मेन्यू बार हमारी विजिबल हो जाएगी। जो भी हमने पेज ऐड किए हैं वो सारे शो हो रहे हैं। जब भी आप किसी के ऊपर क्लिक करते हो सीधे हमें वहां पे रिडायरेक्ट कर देता है। अभी मेरा ब्लॉग का पेज बिल्कुल एम्प्टी है क्योंकि मुझे इसको पोस्ट के लिए यूज करना है, तो मैं इस पर कोई भी कंटेंट नहीं डालूंगी, ठीक है। सो इसी तरह से एक पेज हम और बना लेते हैं, ठीक है, कि हमें ड्रॉप डाउन मेन्यूज बनाने हैं, तो मैं एक सिंपल सा पेज और बना लेती हूँ, ठीक है। उसका नेम आप जो भी प्रोवाइड करना चाहते हो, जैसे मैं इसको एक्सरसाइज वीडियोस बोल देती हूँ, या फिर वीडियोस ऐसे इसका नेम प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद आप एड ब्लॉग पे क्लिक करोगे। यहाँ पर हमने इमेजेस ऐड की थी, आप गैलरी में अगर इमेज ऐड करना चाहो, मीन्स आपको ज्यादा फाइल्स ऐड करनी है वो कर सकते हो। जैसे मैं ये तीनों इमेजेस सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, ये सारी यहाँ पे आ जाएंगी, अपने आप शो हो जाएंगी। हमें इसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऐसे ही अच्छी दिख रही है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन मेरा रहेगा, मैं अगर इसमें कोई ऑडियो फाइल डालना चाहती हूँ, ठीक है, उसको आप अपलोड कर सकते हो। जो भी आपके इसके सिस्टम के अंदर ऑडियो फाइल पड़ी हुई है वो आप चेक कर लो और उसको ऐड कर दो। जैसे मैंने सिंपली ये सॉन्ग अपलोड कर दिया है, अगर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर वीडियो भी अपलोड कर सकती हूँ, मेरे पास उस चीज का भी ऑप्शन है, ठीक है। ऑडियो एंड वीडियो, वीडियो के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि इन्होंने प्रोवाइड किया है कि नहीं, क्योंकि सीधे ऑडियो के लिए इन्होंने लिखा हुआ है कि आप ऑडियो डाल सकते हो। यहाँ पे वीडियो का भी ऑप्शन आ गया है, अगर आप वीडियो डालना चाहते हो तो उसके लिए आप अपलोड कर लो अपनी वीडियो को, ठीक है। यहाँ से मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी है और इसको अगर आप चाहो तो जस्टिफाई कर सकते हो, इसकी विड्थ हाइट चेंज कर सकते हो, सारा कंटेंट उसी तरह से मैनेज हो जाएगा। लाइक टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई, इमेजेस होगी, इन चारों चीजों को जस्टिफाई करने का, सेट करने का हमें ऑप्शन प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। सो मेरी गलती से मैंने वो वीडियो रिमूव कर दी है, मुझे फिर से ऐड करनी पड़ेगी। सो हम ये वीडियो ऐड कर लेते हैं और इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। ये पेज मैं मेन्यूज में ड्रॉप डाउन में शो करवाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसको सिंपली मीडिया फाइल ऐड करने के बाद सेव कर लूंगी, ठीक है। उसके बाद हमने फिर से अपीयरेंस पे जाना है। अपीयरेंस पे जाने के बाद हमने मेन्यूज ओपन करना है। मेन्यूज में हमने ये जो नया पेज अपना ऐड किया है जिसका नाम वीडियोज है, उसको ऐड मेन्यू करना है, ठीक है। अभी मैं आपको सिखाऊंगी कि हम ड्रॉप डाउन मेन्यू इसमें ऑटोमेटिकली कैसे बनाते हैं। जैसे ये मेरा पेज है, आपको ये तो पता है कि हम ड्रैग करके इसको आगे पीछे कर सकते हैं इस लिंक को, बट अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना चाहूं तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और इसको थोड़ा सा राइट और लेफ्ट साइड जिधर भी आप मूव करना चाहो, अगर आप बैक साइड मूव करोगे तो ये ड्रॉप डाउन से बाहर आ जाएगा, अगर आप
राइट साइड करोगे तो ये ड्रॉप डाउन बन जाएगा, मींस कि ये होम की सब आइटम बन जाएगा। तो ये मेरा लिंक होम की सब आइटम कैसे बना है, मैंने इसको थोड़ा सा अपसाइड और ड्रैग कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हमें चेक करना है कि हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं, यहाँ पर ड्रॉप डाउन का लिंक बना हुआ आ गया है, ये मेरा वीडियोस का पेज बना हुआ शो हो गया है। यहाँ पर मैंने जो 3 फाइल्स इमेज की लगाई थी वो आ रही है, यहाँ पे मैंने जो भी अपना सॉन्ग लगाया था ऑडियो फाइल मेरी शो हो रही है, यहाँ पे मेरी वीडियो फाइल शो हो रही है, ठीक है। सो ये जो भी वीडियो का कंटेंट है जैसा भी आपने वहां पे प्रोवाइड किया है उसी तरह से यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो आपने मीडिया फाइल भी ऐड कर लिया, ऑडियो भी ऐड कर लिया और वीडियो भी ऐड कर लिया, और इसका जितना भी डिजाइन है ये बाय डिफॉल्ट हमें वर्डप्रेस ने प्रोवाइड किया है, इसको आप जस्ट रिसाइज कर सकते हो, ठीक है। इसको करने के बाद हम यहाँ पे मेन्यू चेंज करना सीख रहे थे, तो मैंने सिंपल एक मेन्यू बनाया था वीडियो जिसको मैंने सब आइटम सेट कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे एक सैंपल भी बना हुआ है, उसको भी हम यूज कर लेते हैं ज्यादा ड्रॉप डाउन बनाने के लिए, बाद में रिमूव कर देंगे। तो मैं इसको वीडियो के नीचे की सब आइटम बनाना चाहती हूँ, तो मैं उसके अंदर इसको ऐसे हल्का सा फ्रंट साइड पे ड्रैग कर दूंगी, ठीक है। सेलेक्ट का बटन आपने दबा के राइट साइड के बटन प्रेस करके माउस का इसको मूव करवा देना है, ठीक है। तो ये उसकी भी सब आइटम बन गया, वीडियो की सब आइटम बन गया, जिसकी हेल्प से ये हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाएगा। इसको हम सेव कर लेंगे और अपनी साइट को रिफ्रेश करके देखेंगे कि हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू बना है कि नहीं बना है। तो जैसे आप देख रहे हो होम के अंदर वीडियो है, वीडियो के अंदर सैंपल पेज है, ठीक है। सैंपल पेज जस्ट मैंने अपने पेज को बढ़ाने के लिए यूज किया था। इस तरह से आप इसके अंदर जितना चाहो ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट कर सकते हो। अगर आप इसको बाहर निकालना चाहते हो तो आप ड्रैग करके ऐसे लिख दोगे तो ये बाहर आ जाएगा। ऐसे करने से ये सिंपल होम की सब आइटम है, अगर थोड़ा सा आगे मूव कर दोगे तो ये वीडियो की भी सब आइटम बन जाएगा, ठीक है। इस तरह करने से हम ड्रॉप डाउन सिंपल जो पेजेस हैं उसको मेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं उससे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट इसमें पार्ट है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्होंने हमें ऑप्शन प्रोवाइड किया हुआ है सोशल लिंक मेन्यू का, ठीक है। एक तो इन्होंने टॉप मेन्यू का प्रोवाइड किया था, वो हमारे यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। अब हमने सोशल लिंक मेन्यू बनाना है सॉरी, उसके लिए हम एक और मेन्यू क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो हमने पहला मेन्यू क्रिएट किया था वो तो टॉप मेन्यू के लिए था, लेकिन हमारे पास एक और डिस्प्ले लोकेशन है जो सोशल लिंक मेन्यू है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक मेन्यू नेम देना पड़ेगा, तभी हम दूसरा बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम एक और मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम सोशल रख लेंगे, ठीक है। तो यहां से मैंने क्रिएट मेन्यू कर दिया, तो ये हमारी सेकंड डिस्प्ले लोकेशन रहेगी। इसके अंदर हमने अब जो पहले पेज थे उसको तो फिर से हम सेट नहीं करना चाहते ना सोशल मेन्यू वाली लोकेशन के ऊपर। अगर आप चाहो तो आप सेट कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पे कुछ डिफरेंट पेज डालने हैं, ये वाले पेज नहीं डालने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मेरे को यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है जहां पे लिखा हुआ है कस्टम लिंक्स, ठीक है। कस्टम लिंक्स के ऊपर जाकर हमने अपना URL प्रोवाइड करना है, जो भी आप सोशल मीडिया की साइट यहाँ पर शो करवाना चाहते हो उसका। तो मैं यहाँ पर www.facebook.com का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। facebook.com का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी यहाँ पे URL, ताकि मेरे पास आइकन क्रिएट हो और मैं वहां पे रीडायरेक्ट हो सकूं, और इसके ऊपर जो भी आप इसका टेक्स्ट का टाइटल लिखना चाहते हो वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दो, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऐड मेन्यू कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा फेसबुक का जो मेन्यू मैं खुद मैन्युअली बनाना चाहती हूँ, मींस कस्टम लिंक बनाना चाहती हूँ, वो बन गया है। उसको हमने डिस्प्ले लोकेशन प्रोवाइड करनी है सोशल लिंक मेन्यू की। जो पेज थे उसको हमने प्राइमरी मेन्यू की डिस्प्ले लोकेशन दी थी, लेकिन इसको हमने सोशल लिंक्स मेन्यू की प्रोवाइड करनी है। तो मैं इसको सेव कर दूंगी, और अब हम अपनी साइट को रिफ्रेश करके चेक करेंगे कि हमारे सोशल जो मेन्यूज हैं वो कहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा फेसबुक का आइकन, इसका थोड़ा सा कलर चेंज होता है ऑन ओवर पे, जब मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये मुझे फेसबुक की साइट के ऊपर सीधे रिडायरेक्ट कर देगा,
ठीक है, तो ये मेरा एक सिंगल फेसबुक का आइकन बना है। उसके बाद आपको जितनी भी साइट्स आप ऐड करना चाहते हो, जैसे ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उतने आप कस्टम लिंक बना सकते हो। तो हम एक और लिंक बनाएंगे इंस्टाग्राम के लिए, ठीक है। तो हम लिख देंगे जो भी URL, अगर आप चाहो तो सीधे अपनी वेबसाइट का, अपनी साइट का जो भी आपका पेज है उसका यहाँ पे लिंक दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे instagram.com लिखा है और यहाँ पे Instagram नेम दे रही हूँ, इसका कंटेंट का टाइटल, और इसको ऐड मेन्यू कर रहे हैं और हम सेव मेन्यू करेंगे। सेव मेन्यू करने के बाद मुझे चेक करना है कि यहाँ पे Instagram का लोगो आ गया है हमारे पास, ठीक है। ये मेरा Instagram के साथ सेव हो गया है और ये सीधे मुझे Instagram पे रिडायरेक्ट कर रहा है। तो मैं इसको क्लोज कर दूंगी। उसके बाद हम एक और आइकन बना लेंगे और ट्विटर का आइकन क्रिएट कर लेते हैं। सो हम उसका साइट का लिंक, URL जो भी है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, www.twitter.com, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका नेम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जो हमारी सोशल मीडिया साइट है उसका जो नेम है वो प्रोवाइड करने के बाद हमने डिस्प्ले लोकेशन इसकी सोशल मीडिया आइकन ही रखनी है और इसको रिफ्रेश कर देना है। ये अपने आप यहाँ पे हमें आइकन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ, ये हमें आइकन अपने आप ही प्रोवाइड करता है, वो आई थिंक गूगल प्लस का है। तो यहाँ पे मैं .google.com लिखूंगी और गूगल प्लस का साइन बनाऊंगी। अगर तो ये आइकन इसमें हुआ तो ये हमें प्रोवाइड कर देगा, अगर ये आइकन नहीं होगा तो ये सिंपली कोई भी आइकन प्रोवाइड करके हमें लिंक शो करवा देगा, ठीक है। नॉट श्योर कि मैंने सही लिंक प्रोवाइड करवाया है कि नहीं, तो इसलिए इसने मुझे गूगल का, सिंपल google.com लिखा था तो गूगल का ये ऐसे अपने तरफ से रैंडम कोई भी आइकन बना के प्रोवाइड कर दिया है। इस तरह से आप जितने चाहो सोशल मीडिया आइकन्स यहाँ पे बना सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, कस्टम लिंक देना है। कस्टम लिंक के अंदर आप कोई भी साइट का URL देकर उसका टेक्स्ट लिख के उसको ऐड मेन्यू कर दोगे और उसको डिस्प्ले लोकेशन प्रोवाइड कर दोगे सोशल लिंक्स मेन्यू की और सेव कर दोगे। सेव करने के बाद ये अपनी जगह पे अपने आप शो हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप सीधे रिडायरेक्ट हो जाओगे जिस वेबसाइट का आपने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे कस्टम लिंक्स। उसके बाद अगर हम चाहें तो हमारे पास जो पोस्ट बनी हुई है या फिर जो कैटेगरीज बनी हुई है हम उसको भी मेन्यू क्रिएट में लेके आ सकते हैं, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया आइकन में मुझे और कोई सोशल मीडिया आइकन नहीं ऐड करना है तो मैं अपनी दूसरी मेन्यू बार एडिट करने के लिए यहां से सिलेक्ट कर लूंगी। जैसे मेरी टॉप मेन्यू बार थी प्राइमरी, उसको मैं सिलेक्ट करूंगी तो उसके अंदर जो मेरे मेन्यू से ऐड हो रखे थे वो ओपन हो जाएंगे। सो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर लिया है। यहाँ पर मेरे को ऑप्शन दिया हुआ है एडिट करने का, मेरे को टॉप मेन्यू एडिट करना है तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है। तो जो मेरे पास पोस्टिंग क्रिएट हो रखी है अगर मैं चाहूं तो उसको भी मेन्यू लिंक बना सकती हूँ। आपने जस्ट यहाँ से इनको सिलेक्ट कर लेना है और ऐड मेन्यू कर देना है। ऐड मेन्यू करने के बाद हमारे पास ये यहाँ पर शो हो गई है और इसको हम सेव मेन्यू कर देंगे। सेव मेन्यू करने के बाद अपनी साइट को रिफ्रेश करना है और हमें यहाँ पे सिंपल डाइट और हेल्थ एंड फिटनेस का जो पोस्ट थी उसको भी हमने मेन्यू लिंक के अंदर ऐड कर लिया है, ठीक है। इस तरह से आप अपनी पोस्ट के नेम्स को भी मेन्यू बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने वहां से पेज क्रिएट करना है उसी को मेन्यू बनाना है, आप अपनी जो भी पोस्टें डली हुई है उनको भी मेन्यू में ऐड कर सकते हो या फिर जो आपकी कैटेगरीज बनी हुई है उसको भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे मेरी डाइट की कैटेगरी है, मैंने इसको भी ऐड कर लिया मेन्यू के अंदर, ये यहाँ पे शो हो रही है। इसको सेव मेन्यू कर लेंगे, अपनी साइट को रिफ्रेश कर देखेंगे। जब हम डाइट के ऊपर क्लिक करेंगे जो भी पोस्ट उसके अंदर डली हुई है डाइट के अंदर वो हमें शो हो गई है। जैसे हमारी दो पोस्टें थी वो दोनों ही हमें शो हो रही है। सो जरूरी नहीं है कि आपको पेज को ही ऐड करना है, वैसे तो मेन्यू पेजेस के लिए भी होते हैं बट इन सच कभी कभी होता है कि हमें कुछ कैटेगरीज को मेन्यू बनाना है तो हम यहाँ से पोस्ट की उसी कैटेगरी को सिलेक्ट करके मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो
फ्रेंड्स ये हमारा ब्लॉग था रिगार्डिंग क्रिएटिंग द पेजेस इन वर्डप्रेस. सो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो आगे हम इसको फर्दर और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे कि हमें थीम्स कैसे डालने हैं, इसका व्यू कैसे चेंज करना है. सो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.